तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के यमुना नदी में बने नए पुल पर और यहां से दिखाएंगे आपको बाढ़ का नज़ारा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्या है इस वक्त यमुना के प्रचंड बाढ़ का नज़ारा। तो आप सीधे तौर पर तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे, इस वक्त की तस्वीरें हम आपको प्रयागराज यमुना नदी में बने नए यमुना पुल से दिखा रहे हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ ऐसी हैं तस्वीरें जो कि आप सामने देख रहे हैं और सुंदर नज़ारा भी दिख रहा है आपको, यमुना पुल भी आप साथ में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यमुना नदी का वेग देखिए कि कितना तीव्र है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है नज़ारा नए यमुना पुल से जो आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख रहे हैं। ये नज़ारा है बाढ़ का दोस्तों, ऐसा बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि इस तरह बाढ़ आ सकती है। जिस तरह से इस बार बारिश नहीं हुई तो ऐसा बिल्कुल अंदेशा नहीं लगाया जा रहा था कि इस तरह बाढ़ आ सकती है। इस बार गंगा और यमुना में एकाएक जल का सैलाब आया है दोस्तों, जो आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख रहे हैं। तो ये हैं तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त प्रयागराज के नए यमुना पुल का नज़ारा। यहाँ पर देख लीजिए यमुना नदी का रौद्र रूप, और ये यमुना नदी इधर से जो है नए पुल और पुराने पुल होकर आती है दोस्तों। तो इधर से आप ये सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये नया पुल है जो आप सामने देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो पुराना पुल है। और इधर से आप देख लीजिए कि कितना तेज़ है यमुना नदी का वेग और कितनी तेज़ रफ्तार से और उफानती हुई यमुना नदी जो है बह रही हैं और बहकर सीधे त्रिवेणी संगम की तरफ जा रही हैं। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सामने आपको किला दिखाई दे रहा होगा और ये किले की दीवारें हैं और इसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच देखेंगे तो ये संगम है दोस्तों, त्रिवेणी संगम, जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है। और ये जो आप सामने तस्वीरें देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये किला है प्रयागराज का किला, जो कि यमुना नदी के किनारे बना है। और वैसे अगर बात करें दोस्तों तो त्रिवेणी संगम यानी तीनों नदियों के कोने में बना है। और यहाँ से आपको मैं नीचे से तस्वीरें, पुल के नीचे से तस्वीरें दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से आप देख लीजिए कि कितना तेज़ है पानी का वेग और इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, किस तरह से कल कल की आवाज़ आ रही है और कितना तेज़ पानी में उफान है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सीधे तौर पर तस्वीरों पर। खाली देख कर डर लगता है कि क्या मंज़र है बाढ़ का। तो ये आप देखिए कि ये है बाढ़ का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी आप देख रहे हैं सामने। ठीक पश्चिम से पूरब की ओर बह रही यमुना नदी पूरी तरह से अपने वेग में है, अपनी रफ्तार में है। और आप इसकी चक्रवात जिसको बोलते हैं, जो पानी का चक्रवात होता है दोस्तों, ये आप देख लीजिए कितना जो है गंभीर चक्रवात है। ये आप देख लीजिए कि किस तरह से उफनता हुआ पानी, ये आप देख लीजिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। और डर भी रहा हूँ कि कहीं फ़ोन नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं डर डर के जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए कुछ ऐसा है नज़ारा यमुना नदी के बाढ़ का। तो ये आप देख लीजिए सीधे तौर पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह पानी उफान रहा है और पानी में तीव्र गति से उफान आया है दोस्तों। एक छोटी सी क्लिप थी, मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि प्रयागराज के नए यमुना पुल से किस तरह दिख रहा है बाढ़ का नज़ारा। तो ये मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो है, ये तस्वीरें हैं नए यमुना पुल से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप पानी का वेग देखिए दोस्तों, कितना तेज़ वेग है, देख कर ही डर लगता है। और ये बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा दोस्तों, इधर जो है जो आप सामने देख रहे हैं जो बीच का हिस्सा, ये आगे चलकर जो है त्रिवेणी संगम है। ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगा दोस्तों, और जूम करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप त्रिवेणी संगम है और ये किला है। और इधर की बात करें दोस्तों, तो इधर जो आप ये कछार देख रहे हैं, ये अरायल घाट, इसको अरायल घाट के नाम से जानते हैं।